हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं अजय चौहान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ फिर से जीके के कुछ क्वेश्चन, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 6 है। दोस्तों, इनमें 30 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम उन जीके क्वेश्चनों को देख लेते हैं, वो कौन से हैं जो आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारत का मानक समय आधारित है? तो दोस्तों, भारत का मानक समय 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। मैं बता दोस्तों कि यह मानक समय अलाहाबाद के नैनीताल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अलाहाबाद के नैनीताल से लिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। दोस्तों, सबसे पहले सूर्य यहीं दिखाई देता है। सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन बन गया कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है या कहाँ दिखाई देता है, तो दोस्तों आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कौन सा देश नाथुल दर्रा के पार है? तो दोस्तों, चीन नाथुल दर्रा के पार स्थित देश है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इससे हम थोड़ा सा ऊपर गए तो ये हमारा क्षोभ मंडल हो जाएगा। दोस्तों, टोटल मंडल होते हैं पांच। कितने मंडल होते हैं? पृथ्वी को पांच मंडलों में बांटा गया है। दोस्तों, तो मैं बता दूं, ये आपका दूसरा मंडल हो गया, तीसरा मंडल हो गया, और जो पांचवा मंडल है उसे क्या कहते हैं? पहला तो ये हो गया, ये पांचवा, उसे क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? बहिर्मंडल। आपसे एग्जाम में यही तो पूछेगा, या तो सबसे निचला पूछेगा या तो सबसे ऊपर का पूछेगा। तो आपका नीचे का हो गया क्षोभ मंडल, और पृथ्वी का सबसे ऊपरी मंडल कौन है? तो बहिर्मंडल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। भारतीय सेना में विजयंत नाम है? तो भारतीय सेना एक टैंक का नाम है दोस्तों। विजयंत जो है भारतीय सेना में एक टैंक है। क्या है? टैंक का नाम विजयंत है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चीनी यात्री प्रहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों, विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री प्रहान भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। आप सभी का मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों दोस्तों मैं बार बार कह के कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ज़्यादा समय आपका जाया नहीं करूँगा, ज़्यादा वीडियो पाते हैं, आपको पसंद आएगा तो आप करके जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है? तो दोस्तों, बाप बेटे का संबंध है। प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध है दोस्तों? तो बाप बेटे का दोनों में संबंध है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारत का कौन सा राज्य चाय का उत्पादन सबसे अधिक करता है? तो दोस्तों, असम में असम ऐसा राज्य है जहाँ चाय की सर्वाधिक उत्पादन की जाती है। तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होती है? तो असम में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों ऐसा राज्य जो हाँ चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दोस्तों, दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे।
भारत के 21 राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों दार्जिलिंग क्या है, दार्जिलिंग स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगला दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की दोस्तों तेलुगु राज्य भाषा है। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों आप सोच रहे हैं कितना हल्का है या कितना हार्ड है। दोस्तों इनमें सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम से पूछे जाने की संभावना है, ऐसे ही क्वेश्चनों को इनमें सेलेक्ट किए गए हैं दोस्तों। ठीक है चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रहा, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। टका कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की है। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पाई जाती है? तो दोस्तों मिस्र की सभ्यता जो है वह नील नदी के किनारे पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पे, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो दोस्तों गया बिहार में, गया बिहार में महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त की थी, वो भी पीपल वृक्ष के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा विस्तार करेंगे दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है आप स्क्रीन में, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा नाम है किसने लिखा है? तो महाकवि कालिदास ने दोस्तों तीन नाटक लिखे हैं। कितने नाटक लिखे हैं? तीन नाटक लिखे हैं। महाकवि कालिदास की सात रचनाएं हैं दोस्तों, सात रचनाएं, जिनमें तीन नाटक हैं, गीति काव्य है। चलिए छोड़ते हैं उसको। महाकवि कालिदास की कितने ना एक नाटक है शकुंतला। आप सब पूछ दे कि महाकवि कालिदास ने कितने नाटक लिखे? तो तीन नाटक लिखे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो दोस्तों ज्वार जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊपर आता है दोस्तों। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊपर उठता है। ठीक है चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज की स्क्रीन पे, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों एक ऐसा राज्य है जो भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। ठीक चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, खैबर दर्रा स्थित है? तो यह दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। आपसे एग्जाम पूछ दे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? तो दोस्तों कौन सा है? खैबर, खैबर दर्रा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो दोस्तों यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर दोस्तों गंगा के तट पर बसा है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? ये दोस्तों यूपी पुलिस ऐसे ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? दोस्तों बता दें कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता। ठीक है, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है? राष्ट्रीय जो राजमार्ग हमारा होता है इसे नेशनल हाईवे कहते हैं इंग्लिश में, वो किसे जोड़ता है? वो दोस्तों व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को कौन सा मार्ग जोड़ता है, तो हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे जोड़ता है। ठीक है दोस्तों चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगला ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नासिक मुंबई में पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा अंगूर की पैदावार यहाँ होती है, इसलिए अंगूरों का सबसे ज़्यादा पैदावार नासिक में होता है। ठीक है, जो अंगूर के लिए जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम पूछ दे कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार सबसे अधिक करता है, तो नासिक, और ये बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों अंगूर, अंगूर के लिए। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कोयना बांध स्थित है? कोयना बांध दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों
बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं एक नहीं दो बार वीडियो में इसको ले चुका हूँ इस क्वेश्चन को कि कोयनाबाद कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों कोयनाबाद स्थित है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राशन पे। खरीफ की फसल काटी जाती है, जो खरीफ की फसल उगाई जाती है वह कब काटी जाती है? तो दोस्तों खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में ही काटी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। यार आपका लास्ट क्वेश्चन, हिमानी या ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकलता है। हिमानी, इसे ग्लेशियर कहते हैं, बर्फ का एक विशाल पिंड है, कौन सा है? तो वह दोस्तों कौन सा है? हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ, हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ बर्फ का एक विशाल पिंड से बना है। ठीक है, जिसे हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं, जो टूटता है और निचलता रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका मेरा वीडियो समाप्त होता हुआ। दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें।